दोस्तों आज हम 2 HP मोटर रिवाइंड करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज मेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 HP की मोटर है, 1440 इसके RPM है। जो इस मोटर में से जला हुआ वायर निकला था वो दोस्तों ये वायर है। हमने कोई लिनिंग की तोली है, उसका वेट आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए 354 ग्राम की एक कोयल निकली है। यानी कि इस प्रकार के हमने 4 कोयलें बनानी है। हमने इस मोटर को काट कर वापस रिवाइंड के लिए कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर कोयले बना लिए और कोयले यहाँ पर हम डालते हैं। यहाँ पे 200 लोड बीच में छूटेंगे दोस्तों। हमने 3 कोयले कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से 1 और 2 और 3 में आपको डालना है, क्योंकि एक ऊपर नीचे आएगी इस पर, जो लास्ट वाली कोयल है। तो हमने जो कोयल डाली थी उसका सिरा यहाँ पे छोड़ा है, हमने राइट हैंड की तरफ सिरा छोड़ा है कनेक्शन वाला, और राइट हैंड की तरफ बड़ा वाला जो इससे जुड़ा हुआ है। अभी इस दूसरी कोयल को इंस्टॉल करते हैं, वो किस प्रकार से होगी देख लीजिए दोस्तों। ये सिरा यहाँ से घूमकर इस पे कुएं जाना चाहिए, जो कि आपको दिखाते हैं इस प्रकार से दोस्तों। ऐसे कैसे ये कोयल चले जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हमने कोयल को डालकर कंप्लीट कर लिया, हमारे 2 कोयले पूरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से हमारे पास में 2 कोयले बच रही है। अब हमारे 8 वाली कोयल यहाँ पर डालने जा रहे हैं, और बाकी 10 वाले अब इसको डाल के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको जो यहाँ से इसका कनेक्शन सिरा है, इस कनेक्शन सिरे को देखिए इस प्रकार से आपको लेना होता है, और ये वहाँ पर जाएगा उस वाले पिच में। इस प्रकार से बढ़िया आसानी से हमारी कोयल डल जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल, हमारी कोयल डालकर कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर कोयल के ऊपर आपको ग्रीन शीट लगाना होता है, क्योंकि वायर बाहर नहीं आए और हमारे रोटर की टकराए नहीं, ये और करंट वगैरह नहीं उतारेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार की ग्रीन शीट या सफ़ेद PVC शीट लगानी पड़ती है, जो कि 7 नंबर की है। और अच्छे से हथौड़ी या हाथ से इसको सेफ्टी देना होता है, जो कि फिक्स हमारी कोयल बैठ जाती है। और जो लास्ट वाली कोयल है तो दोस्तों इसके ऊपर आएगी, यहाँ पर आएगी, उधर खाली वाली पिच में जाएगी। तो इस पेपर को नीचे दबा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायर आएंगे। ये भी सेम हमने जिस प्रकार से कनेक्शन घुमाया है उसी प्रकार से ये भी उसी प्रकार से डलेगी। इसका कनेक्शन देख लीजिए उसी प्रकार से है, यहाँ से इसी प्रकार से। और बड़ा वाला हमारा जो ये कनेक्शन है, कनेक्शन इस इधर की तरफ आएगा बड़ा वाला। बहुत ही आसानी से रिवाइंड हो जाती है। रनिंग पूरी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 4, 6, 8, 10 में इसकी वाइंडिंग थी और 20 नंबर गेज था, जो हमने पूरी कर लिए। अब इसके बाद में मोटर 36 लोड थी, हमने वीडियो में आपको बताया। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देते हैं, 5, 7, 9 में ये वाइंड हैं, और इसका 22 नंबर गेज हैं। 5 में 30 टन होंगे और 7 में 40 होंगे, 9 में 51 टन होंगे, जो कि ये मोटर हैं। पूरी कंप्लीट कर ली है, और स्टार्टिंग का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमारे थोड़ी जलती थी मोटर को वाइंड करने की। कुछ इस प्रकार से इसके इतने कनेक्शन निकले हैं, अब इनको कॉल कर देखते हैं कि। तो पूरी कंप्लीट कर ली है हमने। यहाँ से हमारे पास में कुछ 8 वायर बचते हैं, जो कि रनिंग के वायर हमने ले रखे हैं। और यहाँ से हमें कोयल का नहीं, इस कोयल का ये बड़े वाला सिरा है, और इसका छोटा वाला सिरा ये वाला है, बड़े वाला ये है। तो यहाँ से इस बड़े वाले सिरे को उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ से इस कोयल को छोड़ेंगे, और इस कोयल के बड़े वाले सिरे को यहाँ से उठाएँगे इस प्रकार। तो दोस्तों ये देख लीजिए,
यहाँ से हमने इस कॉइल का बड़ा वाला सिरा लिया तो यह कॉइल छूट गई है। उसके बाद इस कॉइल का बड़ा वाला सिरा हमने लिया है तो यह भी कॉइल छूट चुकी है। तो देख लीजिए दोस्तों सेम कनेक्शन यहाँ से हमने उठाया तो एक दो और तीन कनेक्शन छूट गए। और इधर से देखे जाए तो दोस्तों यहाँ से एक दो तीन कनेक्शन इधर छूट गए। तो यहाँ से हम इसको कनेक्टिंग करते हैं, इसमें कुछ स्लीव पहना देते हैं। इस प्रकार से स्लीव पहना कर यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लेते हैं जो कि रनिंग पर हम पीला वायर निकालना चाहेंगे। इस पीले वायर को यहाँ पर मिलाकर कुछ इस प्रकार से अच्छे से जॉइंट करना होता है। दोस्तों अच्छे से जॉइंट करना है इसको यहाँ पर स्लीव पहना कर और हमारा यहाँ पर पूरा जॉइंट हो चुका है। और जॉइंट होने के बाद में कुछ इस प्रकार से कटर की मदद से काट कर आपको इस प्लास की मदद से इसको प्लेन करना होता है ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छे से दिखे और यहाँ पर कोई ब्लीचिंग वगैरह नहीं रहे, यानी कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ऐसी चीज़ें का ध्यान रखें। और उसके बाद में दोस्तों इस पर भी सिलो बनाना ज़रूरी है क्योंकि तब आप सिलो नीचे से सिलो चढ़ाओगे तो वो सिलो इसमें आसानी से आ जाएगी। और इस पर भी आपको सिलो फैनानी है ना सा चाहिए उसी प्रकार से यहाँ पर हम सिलो फैना दिए। फैनाने के बाद इस कनेक्शन को हम बाद में बाहर निकालेंगे, पहले आपको दिखा देते हैं। अब हमारा एक कनेक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ से एक कोयल ये वाली इसका छोटा वाला सिरा छोड़ना है आपको और उसके बाद में जो अगली कोयल आती है उसका बड़ा वाला सिरा लेना है, यानी कि इस कोयल से दूर जो कोयल है उसी का लेना है जिसपे कोई वायर नहीं लगाया अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये दोनों फिर ये इस कोयल की है और ये दोनों फिर ये इस कोयल की है, ये दोनों इस कोयल की है और इस कोयल का ये वाला जुड़ गया, इस कोयल का ये वाला जुड़ गया। अब करना क्या है आपको, यहाँ से जो इसके आगे वाली कोयल हैं जो हमने यहाँ से कनेक्टिंग किया था इसके आगे वाली कोयल है जो कि ये वाली है, यहाँ से आपको बड़े वाला सिरा लेना है कुछ इस प्रकार से जो कि ये वाला है। यहाँ से आपको इस कोयल से स्टार्ट किए तो इस कोयल को छोड़ना है और इस कोयल का बड़ा वाला सिरा लेना है जो कि दोस्तों ये वाला है इसका बड़ा वाला सिरा। तो हम इसमें सिलो पहना देते हैं, इस प्रकार से इसको सिलो पहना देते हैं। तो ये दोनों हमें कनेक्टिंग करना है, ध्यान रखें इस कोयल के इधर वाली फ्री होना चाहिए और इधर वाली कोयल फ्री होना चाहिए, इस पर कोई कनेक्शन नहीं है इसी का कोई कनेक्शन नहीं, इसी के सिलो दो वायर ये हैं और दो वायर ये हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इस पर भी एक पीला वायर जोड़ना है जिस प्रकार से हमने पहले पीला वायर जोड़ा था। इस पर स्लीव पहनानी है, इस पर भी स्लीव पहनाना ना भूलें और यहाँ से आप कनेक्शन। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी पर आपको दिखा देते हैं। आमने सामने फिक्स कनेक्शन है इसके, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इस वाली कोयल से जो कि ये वाली कोयल छोड़े और इस वाली कोयल का जो कनेक्शन था जो बड़ा सिरा हमने यहाँ से लिया था और उसके बाद में जो अगला हमने कनेक्शन किया है जो इस वाली कोयल का छोटा सिरा छोड़ने के बाद में अगली वाली जो कोयल आती है उसका बड़ा वाला सिरा हमने लिया था, उसके बाद में इस वाली कोयल को छोड़ा था और इस वाली कोयल का बड़ा वाला सिरा हमने लिया था। इस प्रकार से ये कनेक्टिंग हुआ है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, आप चाहे तो इसको इस प्रकार से जोड़ दीजिए, आप चाहे तो इस प्रकार से जोड़ दीजिए, आप चाहे तो इस प्रकार से जोड़ दीजिए, आप कहीं पे भी कनेक्शन कर सकते हो। लास्ट में जो हमारे चार वायर बचे हैं, दो और दो चार वायर बचे हैं, कहीं पे भी इसको जोड़ सकते हो। तो हम जोड़ना चाहेंगे कोई सी भी वायर को।
तो दोस्तों हम जोड़ना चाहेंगे इस वाली कॉइल को और इस वाली को, जो कि हमने यहाँ से आड़े वाला कनेक्शन किया था, एक कनेक्शन यहाँ था। कोई दिक्कत नहीं, कोई से को भी जोड़ सकते हो आप। फिर हम इसको जोड़ लेते हैं। अच्छे से टाइट करना है आपको दोस्तों। यहाँ पर ये स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, लूज वगैरह नहीं रहना चाहिए। जितना आप हो सके उतना इसको टाइट कर लीजिए, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है क्योंकि वायर यहाँ से टूट जाता है ज़्यादा टाइट करने पर। और इस प्रकार से सिलिप पहनाना ना भूलें। अब हमारे पास में बचते हैं दो वायर, ये दोनों वायर। इन दोनों वायर को भी यहीं पे जोड़ देते हैं। छोटे से छोटा में कनेक्शन और छोटे से छोटा में कनेक्शन हमारे लास्ट वाले होते हैं, जो कि हम जो आमने सामने कनेक्शन करते हैं वो कनेक्शन बड़े से बड़े में होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी आप जो इसका कनेक्शन करें आमने सामने का, वह विशेष रूप से आप इतना ध्यान रखें कि छोटे से बड़े में होना चाहिए आमने सामने वाला कनेक्शन, और जो बाद में वायर बचते हैं छोटे से छोटे वायर वो बचना चाहिए, तब आपका कनेक्शन सही होगा। अगर छोटे से छोटे में कर दिया तो आपकी मोटर राउंड नहीं लेगी और जल जाएगी। दोस्तों हमने भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, चैनल पर चढ़ा दिए हैं, और फिर भी यहाँ पर सब्सक्राइब बहुत ही कम हमारे पास में आ रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि सब्सक्राइब थोड़े बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो हमारी ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि रनिंग का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम ग्रीन सीट लगा के स्टार्टिंग का कनेक्शन आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं स्टार्टिंग के कनेक्शनों पर, कुछ 8 कनेक्शन यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ इस कॉइल का सबसे पहले हम कनेक्शन लेंगे, तो यहाँ से ये दो वायर निकल रहे हैं, इसमें से हमने छोटा वाला कनेक्शन के रूप से बाहर निकालेंगे। आप चाहे तो बड़े वाला कनेक्शन भी बाहर निकाल सकते हैं, हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको कट करके इसे सिलिप चढ़ा देते हैं। फिर यहाँ से हमने ये कनेक्शन निकाल लिया इसका छोटा वाला, और इस कनेक्शन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसी कोयल का जो बड़े वाला कनेक्शन है ये, इसी को हम यहाँ से उठाते हैं और आगे बड़े वाले कनेक्शन, अगली कोयल का बड़े वाला कनेक्शन, उससे इसको कनेक्टिंग करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपको सीरीज वाई कनेक्शन इसमें करना है और कुछ भी नहीं करना। स्टार्टिंग में कोई से भी मोटर हो, स्टार्टिंग में सीरीज वाई कनेक्शन होगा। बंद करें। यहाँ से बड़े का हमने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में हमें करना है इस कॉइल का जो अगला वाला वायर है उसी को हमने लेना है कनेक्शन के रूप में। जो बड़ा वाला था जो इधर आ गया, वो छोटा वाला है जो इसकी तरफ है। तो इसी कोयल का हमने वायर लेना है, जो एक वायर था इधर जोड़ दिया और एक वायर ये वाला है हैं। तो छोटे वाले से छोटे वाला कनेक्टिंग करना है, आगे हमारे बड़े वाला आ रहा है तो इसको एक तरफ करना है, छोटे वाला इसमें कनेक्टिंग करना है, छोटे से छोटे को कनेक्टिंग करना है, जो कि दोनों को हम कनेक्टिंग कर देते हैं। यहाँ से हमने छोटे से छोटे को कनेक्टिंग कर दिया, अब बड़े से बड़े को हमने कनेक्टिंग करना है आगे। यानी कि 3 कनेक्शन इसमें होंगे, 1, 2 और 3 कनेक्शन इसमें होंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कितने कनेक्शन होंगे। ओनली 3 कनेक्शनों को होने के बाद में 2 वायर आपके पास में बच जाते हैं, जो कि कनेक्शन के रूप से वह बाहर निकालते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों मोटर वाइंडिंग एंड रिपेयरिंग सभी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ से इन कनेक्शनों को जमा लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक वायर ये बचता है, जो कि छोटा वाला है, कनेक्शन के रूप से बाहर निकालना है इसको। तो यहाँ से इस पर अच्छे से जोड़ लेते हैं।
जोड़ने के बाद में सेम प्रोसेसिंग फ्लास्क की मदद और कटर की मदद से इसको सेट करना है। और इस पर स्लीव पहना नहीं है, जो कि पूरे तक आ जाए इस प्रकार के स्लीव आपको पहना नहीं है। यहाँ से इस पर हम स्लीव पहना देते हैं। हमने स्लीव पहना दिए, बाकी टुकड़ा छोटा सा और पहनाना है इसको, क्योंकि वो स्लीव मोटी थी हमारी, इस वजह से यहाँ पे ये छोटा टुकड़ा और पहना देते हैं। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है और इसको बाहर निकाल देंगे यहाँ से। तो एक बार फिर से आज समझ लीजिए दोस्तों, इसके कनेक्शन किस प्रकार से होंगे स्टार्टिंग के, हमने वीडियो में कई वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से बड़ा वाला छोटा वाला सिरा कनेक्शन के लिए बाहर निकालोगे, बड़े वाले सिरे से बड़े वाले कनेक्शन करना है, छोटे वाले से छोटा वाला और बड़े वाले से बड़ा वाला और छोटा वाला हमारे पास में कनेक्शन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे होगा कि हमारे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। अब यहाँ पर कॉटन मार्कर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।